हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा सात का गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक अवयव क्या है? एक है। 25 का 2/5 होगा, कितना होगा? दो, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना? 10। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। ये रन दिए गए हैं, इनमें बनाए गए रनों का माध्य निकालना है, तो माध्य क्या हो जाएगा? 47 होगा। क्या होगा? 47। एक्स माइनस 5 = 9 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 14 हो जाएगा। 65 डिग्री के पूरक कोण का मान 25 डिग्री होगा, कितना? 25। सही जोड़ी देख लेंगे, एक रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, तो एक रेखाखंड में कितना? 0 अंत बिंदु। एक किरण में अंत बिंदु होते हैं, एक किरण में एक ही अंत बिंदु होता है। संपूरक कोणों का योग होता है, कितना होता है? सॉरी, एक रेखा में अंत बिंदु होते हैं तो दो होते हैं, और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है? सभी का लिख देना है। अगला देखते हैं, इनका मान ज्ञात करना है, तो इसे मान करके ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आएगा 36। चौथे वाले में क्या करना है? हल करना है। भिन्न रूप दिया गया है, इसे हल कर देंगे, 13/5 आ जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, तो क्षेत्रफल आएगा 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, तो इसमें आयु का परिसर ज्ञात करना है, तो आयु का परिसर आएगा 31 आ जाएगा। इसे हल करना है, तो सातवें को हल देख लेंगे, हल आएगा इसका 6, और बा वाले का जो हल है उसका आएगा कितना? ये दिया है 12। आकृति में निम्नलिखित की पहचान करना है, तो ये हमारे सभी सामने लिखे हुए हैं। पहले का उत्तर ये है, दूसरे वाले का ये, और तीसरे वाले का ये है। नौवें वाले में देख लेंगे, ये नौवां हमारे पास प्रश्न है, और इसका आंसर भी ये दिया है, कितना? 26 सेंटीमीटर, कितना? 26 सेंटीमीटर। अगला है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसे हल करके से मान निकाल लेंगे इसके। और 11वें वाले में समीकरण हल कीजिए और उत्तर की जांच भी करना है, तो समीकरण हल कर देंगे, उत्तर की जांच भी कर लेंगे। ये 12वां है, तो 60 डिग्री आएगा। 13वां वाला ये प्रश्न देख लेंगे, 13वां ऊपर वाला भी और अथवा वाला भी देख लेंगे। 13वां प्रश्न ये, और ये हमारा 14वां लास्ट क्वेश्चन है ये। और अथवा वाले में क्या करना है कि बहुला को माध्यक निकालना है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 14, और माध्यक हम जब इसका निकालेंगे तो इसका भी माध्यक क्या निकलेगा? 14 ही निकलेगा,